यहाँ जो हम लोग मटन बनाते हैं वो लोग काफी दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, यहाँ पर सब सभी को जानकारी है सभी को। और हम लोग जिस मतलब, जो नया आदमी आते हैं तो बोलते भाई कार्ड है आपके पास, तो हम लोग दे देते हैं। मतलब जो भी यहाँ रजरप्पा मंदिर पूजा करने के लिए आते हैं हाँ, वो यहाँ का मटन चावल खाके ही जाते हैं, खाके ही जाते हैं। इतने फेमस है आप यहाँ? हाँ यहाँ फेमस है, ये प्रसाद है माँ छन्नमस्ते के। मतलब इसका जो टेस्ट है वो अलग है, अलग है, अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मटन को काफी अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया गया है, देख सकते हो मटन का जो ग्रेवी है एकदम गाढ़ा सा ग्रेवी है और काफी अच्छी खुशबू आ रही है इस मटन से। तो अब तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मटन चावल का प्लेट लग चुका है, देख सकते हो चावल है यहाँ पे, मटन का ग्रेवी है, भुजिया है, सलाद है, अचार है और यहाँ पे पापड़ है। और ये देख सकते हो सखुआ के हरे हरे दोने में यहाँ पे हमारा मटन दिया गया है, ये हमारा चार बड़ा बड़ा मटन का पीस है। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं रजरप्पा के मोस्ट फेमस पवन जायसवाल होटल, जहाँ पे रजरप्पा मंदिर का फेमस मटन चावल खिलाया जाता है और यहाँ पे मटन चावल को खाने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो जो भी रजरप्पा आते हैं यहाँ पे पूजा करने घूमने के लिए वो यहाँ का मटन चावल को जरूर खा के जाते हैं, क्योंकि और इनका मटन और चावल यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि जिसे खाने के लिए हमेशा लोगों का भीड़ लग रहता है। जो भी रजरप्पा मंदिर पूजा करने के लिए आते हैं या तो फिर यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ के मटन चावल को जरूर खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मटन चावल यहाँ के लोग प्रसाद के रूप में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे मटन चावल कैसे बनाया जाता है उसकी आपको पूरी मेकिंग दिखाते हैं और उसे खा के बताते हैं। मटन बनाने का प्रोसेस तैयार हो गया, तेल डाल रहे हैं, सरसों का तेल है भैया ये? सरसों का तेल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बड़ा सा मटन का पतीला चढ़ चुका है और इसी बड़े से डेग में यहाँ पे हमारा मटन बनाया जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या क्या डलेगा भैया? एक खड़ा गरम मसाला, खड़ा गोटा गरम मसाला, अच्छा जीरा है, मिर्चा है, फोरन, फोरन के लिए डाल रहे हैं हाँ, जीरा, गरम मसाला, मिर्चा। तो अब यहाँ पे क्या डाल रहे हैं भैया? प्याज डाल, प्याज हाँ। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्याज डल चुका है और प्याज का क्वांटिटी देख सकते हो एकदम भर भर के यहाँ पे हमारे प्याज को डाला गया है। भैया और कितना देर भूनेंगे इसे? भूनेंगे प्याज, भूंजाए ना, पेस्ट डालेंगे, पेस्ट डालने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे अब हमारा पेस्ट आ चुका है, तो क्या क्या चीज का पेस्ट रहता है भैया? ये लहसुन है, मिर्चा है, अदरक है, लहसुन मिर्चा अदरक हाँ, मिक्स रहता है हाँ। 15 किलो मटन का है ये पेस्ट, 15 किलो मटन का डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आज कितना मटन बन रहा है इस पतीले में? 15 किलो, 15 किलो हाँ। वाह क्या बात। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मटन आ चुका है और लगभग यहाँ पे कितना केजी मटन है भैया? 12 केजी, 12 केजी। तो यहाँ पे हमारा 12 केजी मटन आ चुका है, पहले उसे अच्छी तरह से धो लिया जा रहा है, क्लीन कर लिया जा रहा है, उसके बाद इस बड़े से यहाँ पे डेग में डाल के उसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा मटन डल चुका है, अब यहाँ पे नमक डाला जा रहा है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल आपको देसी अंदाज में मटन बना के दिया जाएगा, बड़े से यहाँ पे देख सकते हो मिट्टी का चूल्हा है और कोयले की आग से यहाँ पे मटन और चिकन सारा चीज यहाँ पे बनाया जाता है। और दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे मटन को यहाँ पे पहले छीला जाता है, उसके बाद सारे मटन को एक एक करके पीस किया जाता है, देख सकते हो यहाँ पे लोगों का भीड़, सारे लोग अपने अपने खस्सी और बकरे को लेके आए हैं यहाँ पे पीस करवाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे मटन को अच्छी तरह से भुना जा रहा है और पूरा बड़ा सा पतीले में हमारे यहाँ पे मटन को भुना जा रहा है। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। अशोक केवट। अशोक केवट हाँ। और ये होटल कितना पुराना है, कितने सालों से यहाँ पे मटन खिला रहे हैं? 12 साल। 12 सालों से हाँ। अच्छा और कैसे खिलाते हैं यहाँ पे मटन चावल? 4 पीस मटन रहेगा, 1 प्लेट चावल 180 रुपया, जिसमें कि बाबा चावल भी बनता है और कतरनी भी बनता है, 2 प्रकार का चावल बनता है। अच्छा कभी कभी 3 प्रकार का भी चावल बनता है, लक्की भोग भी बनता है लोगों के डिमांड पे हाँ। नहीं हाँ। ये 2 चावल हम लोग अपना पर्सनल बनाते हैं, जैसे कोई पतला चावल खाता है, कोई मोटा खाता है। अच्छा अच्छा। तो और अगर किन्हीं को 2 पीस मटन चावल चाहिए तो? 140 रुपए में 2 पीस और 180 में 4 पीस हाँ। तो फायदा लोगों को 180 में ही खाने में? 180 में फायदा है। और यहाँ का एक बार टाइमिंग बता दिया, कब से कब यहाँ पे लोगों को मिल जाएगा मटन चावल? मटन चावल यहाँ 8:30 बजे से मिलना चालू हो जाएगा, सुबह का 8:30 बजे से हाँ। अच्छा और एक बार यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया भैया, लोग कैसे आएंगे? क्या नाम है आपके होटल का? पवन जायसवाल। पवन जायसवाल होटल हाँ। पुराना पवन जायसवाल होटल हाँ।
एगो नी पवन है उसमें नहीं, पवन में आइएगा, पवन जसवाल वाले मान। हाँ। कैसे आएंगे एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बता दे। ऐसे इधर से आएंगे। अच्छा, ये नदी के पास है ना। हाँ, ये नदी किनारे से भी आ सकते हैं, ऐसे सीढ़ी तरफ मंदिर के गेट तरफ से भी आ सकते हैं। मंदिर का जो गेट है मेन गेट उसके अपोजिट से। हाँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हल्दी पाउडर डाला जा रहा है। और भैया क्या ऐसा डालते हैं जो यहाँ पे मटन खाने के लोगों का भीड़ लगा रहता है, कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ सब मेरा सीक्रेट मसाला भी होता है। अच्छा, सीक्रेट मसाला भी होता है। सब अपने से बनाते हैं मसाला। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा गोलकी और जीरा का पाउडर को डाला जा रहा है, ये देखो भाई, जो कि खड़ा पीसते हैं हम लोग, खड़ा पीसते हैं सारे मसालों को, मतलब खुद से रेडी करते हैं यहाँ पे। हाँ, खड़ा गोटा पिसवाते हैं। हाँ, बाजार से नहीं खरीदते हैं ना। नहीं। अच्छा। और यहाँ हमारे मटन में एक एक करके सारे मसालों को डाला जा रहा है। मटन से काफी अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है, काफी अच्छे खासे लंबे टाइम तक इसे भुना जा रहा है। बड़े से यहाँ पे देख सकते हैं चूल्हे में, यहाँ पे कोयले की आग से ही सारी चीजों को बनाया जाता है। ये हमारा कोयला आ चुका है, ये देखो, तो यहाँ पे हमारा कोयले की आग से सारी चीजों को रेडी किया जाता है। हाँ। और भैया हमने सुना है कि यहाँ पे ऑर्डर पे भी बनाते हैं मटन। हाँ, ऑर्डर पे भी बनाते हैं। 1 kg रहने पर 200 रूपए लेते हैं, ज्यादा रहने के बाद में 150 रूपए kg। माल मटेरियल सब हम लोग को रहता है। अच्छा। सब हम लोग kg के हिसाब से। हाँ, अरे ऐसा अगर मोटा ग्रेवी वाला चाहिए। हाँ हाँ। तो 900 रूपए kg देते हैं। अच्छा, बना के? बना के मोटा ग्रेवी वाला। हाँ, देखिए ऐसा एकदम कसा हुआ माल देंगे। और भैया अगर शादी पार्टी के लिए किसी को बनवाना है तो बना देंगे। उसका क्या चार्ज है? जैसा मटन रहेगा, जैसा आदमी रहेगा, उसी तरह, उस हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से लेते हैं। यहाँ जो हम लोग मटन बनाते हैं वो लोग काफी दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। यहाँ पर सब सभी को जानकारी है। सभी को। और हम लोग जिस मतलब, जो नया आदमी आते हैं तो बोलते हैं भाई कार्ड है आपके पास, तो हम लोग दे देते हैं। मतलब जो भी यहाँ रजरप्पा मंदिर पूजा करने के लिए आते हैं। हाँ। वो यहाँ का मटन चावल खा के ही जाते हैं। खा के ही जाते हैं, इतने फेमस है आप यहाँ। हाँ, यहाँ फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मटन को काफी अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया गया है, देख सकते हो मटन का जो ग्रेवी है एकदम गाढ़ा सा ग्रेवी है और काफी अच्छी खुशबू आ रही है इस मटन से। तो अब नेक्स्ट क्या डालने वाला है भैया? मीट मसाला। मीट मसाला। हाँ। तो यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद ऊपर से यहाँ पे MDH के मीट मसालों को डाला जा रहा है। और दोस्तों ये है पवन होटल जहाँ पे स्पेशल मीट भात बनाया जाता है। और इस जगह की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हम रजरप्पा आए हुए हैं। रजरप्पा का ये जो छत है, तो रजरप्पा का जो मेन गेट है ना, इधर है मंदिर और उसी के जस्ट यहाँ पे नीचे में भैया का यहाँ पे पवन होटल है। यहाँ डेली 30-40 से 50 किलो मटन बेचते हैं हम लोग। डेली? डेली, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन? हाँ। मतलब इतना ज्यादा पसंद करते हैं लोग यहाँ के? बहुत ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ का मटन। क्या बात। अब देखे गर्म मसाला डाल रहे हैं। तो ये गरम मसाला डालने के बाद और कोई मसाला डालेगा? और कोई मसाला नहीं, ये लास्ट है। लास्ट है। तो लास्ट में गरम मसाला क्यों डालते हैं भैया? स्वाद के लिए। स्वाद के लिए मसाला भी भूनना पड़ता है। तो और यहाँ पे हमारा मटन को कितना देर तक भूनेंगे, कितने देर में रेडी हो जाएगा? और 10 मिनट। 10 मिनट में मटन बन के रेडी हो जाएगा? रेडी। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे आपको मटन का पीस मिलेगा, 4 बड़ा बड़ा पीस मिलेगा। तो मतलब लोग आते हैं तो उन्हें एकदम गरम करके देते हैं ना, फ्राई करके। हाँ, तो यहाँ पे हमारा मटन आ चुका है 4 पीस। इसे अच्छी तरह से पहले यहाँ पे लोगों के लिए फ्राई कर दिया जाता है, उसके बाद गर्मा गर्म मटन और चावल खिलाया जाता है। ये देखो भाई, ये हमारा 180 रुपए का मटन है। हमारे यहाँ का ये थाली है, 4 पीस मटन। अच्छा। भुंजिया भिंडी का है, आलू का है, चिप्स है, प्याज है, एक प्लेट चावल है। चावल अगर कोई एक्स्ट्रा लेते हैं तो भैया एक्स्ट्रा 20 रुपया। हाफ एक्स्ट्रा 20 रुपया हाफ प्लेट। और दोस्तों यहाँ पे हमारा मटन बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो एकदम मस्त वाला ग्रेवी है, एकदम गाढ़ा सा ग्रेवी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से टेस्ट करते हैं और आपको इस देसी स्टाइल से बने हुए मटन का टेस्ट बताते हैं। और दोस्तों इस जगह की लोकेशन की बात करें तो ये देख सकते हो ये है पवन होटल रजरप्पा मंदिर, स्पेशल मीट भात यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे देखते थे ये जो सामने पूल है, अब रजरप्पा आते हो तो पूल के जस्ट अपोजिट में आपको मिल जाएगा। इधर बहुत सारा यहाँ पे शेड बना हुआ है और इस साइड में रजरप्पा मंदिर का जो है मेन गेट है। तो मेन गेट से जैसे आप अपोजिट में उतरते हो
नदी की तरफ, तो आपको ये पवन होटल मिल जाएगा। तो आपको यहीं पे आना है। कितने दिनों से यहाँ का मटन खा रहे हैं? हम तो पहली बार आए। पहली बार है, कैसा है टेस्ट? टेस्ट बढ़िया है। टेस्ट बढ़िया है, बढ़िया है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें यहाँ पे आना चाहिए यहाँ का मटन खाने के लिए। ये प्रसाद है माँ छन्नमस्तिक, मतलब इसका जो टेस्ट है वो अलग है, अलग है, अलग है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए मटन चावल निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा मटन का पीसेस को निकाला जा रहा है, और 180 रुपए में आपको यहाँ पे चार बड़ा बड़ा पीस दिया जा रहा है, देख सकते हो। छोटा रहेगा तो पांच पीस, छोटा रहेगा तो पांच पीस। तो यहाँ पे आप अपने डिमांड पे सखुआ के हरे दोने में भी मटन ले सकते हैं और प्लेट में भी ले सकते हैं, है ना भैया? हाँ, दोनों। तो यहाँ हमारा मटन आ चुका है सखुआ के हरे हरे दोने में, देख सकते हो चार पीस आपको यहाँ पे 180 रुपए में खिलाया जा रहा है। मटन का देख सकते हो पीसेस जो है ना काफी बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारा मटन चावल लग चुका है और सामने आओ, और ये यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी है जिसमें आपको चावल मिल जाएगा, यहाँ पे चार बड़े बड़ा पीस मटन मिल जाएगा, भुजिया मिल जाएगा, प्याज मिल जाएगा, अचार मिल जाएगा, और ये यहाँ पे पापड़ मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो मटन का पीस, बड़ा बड़ा पीस आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। चार पीस अगर आप लेते हैं तो 180 रुपये लिया जाएगा, अगर आप दो पीस मटन चावल खाते हैं तो 140 रुपये में आपको यहाँ पे दो पीस मटन और चावल खिलाया जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे मटन का ग्रेवी है, ये देखो मटन का ग्रेवी एकदम गाढ़ा सा यहाँ आपको मिलेगा। और आपने वीडियो में भी देखा कि काफी अच्छा खासा इस मटन के ग्रेवी को बनाने के लिए प्याज को डाला गया है। टेस्ट की बात करें ना, टेस्ट काफी बढ़िया है, काफी अच्छे खासे टाइम तक यहाँ पे भुना गया है। और जो भी रजरप्पा आते हैं ना तो वो एक बार यहाँ का मटन चावल को जरूर खाते हैं। यहाँ पे लोग प्रसाद के रूप में इस मटन चावल को यहाँ पे खा के और यहाँ से जाते हैं। यार प्रसाद की तो बात ही अलग है, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, काफी स्वादिष्ट है। सच में काफी बढ़िया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मटन कितनी अच्छी तरह से पका हुआ है कि हम इसे हल्के हाथों से छू रहे और ये अच्छी तरह से अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे ना एकदम बिल्कुल देसी अंदाज में बड़े बड़े चूल्हे पे कोयले की आग से मटन और चिकन सारे चीज़ों को यहाँ पे बनाया जाता है, और सखुआ के हरे दोने में यहाँ पे लोगों को खिलाया जाता है, जिसे यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ के मटन चावल को खाने के लिए लोगों का हमेशा भीड़ लगा रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी कभी रजरप्पा मंदिर आते हो, यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हो, घूमने के लिए आते हो, तो एक बार यहाँ के इस होटल में मटन चावल को आप लोग जरूर ट्राई करना। या आपने कभी ट्राई किया हो और आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये प्रसाद वाला मटन है, बगल में यहाँ पे आप देख सकते हो, बगल में यहाँ पे मटन कटता है और वहाँ से भैया लोग यहाँ पे मटन लेके आते हैं और इसे यहाँ पे बनाते हैं। तो प्रसाद कभी खराब हो ही नहीं सकता, इसका टेस्ट मतलब अनलिमिटेड, जितनी भी तारीफ करें ना वो कम है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। तो जो भी अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आप लोग मत जाना, सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपने मटन चावल को फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा मटन और चावल आ चुका है, ऊपर से यहाँ पे हमने एक मटन का पीस लिया और अब हम इसे फिनिश करेंगे।